नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। साल 1971 में जिस बांग्लादेश के लिए भारत ने जमीन आसमाने कर दिया था, अब वही बांग्लादेश मुल्लागिरी का अध्याय लिख रहा है। यह मदरसा नीति का वह चैप्टर है जिसे टोपीबाज अपने डीएनए में सजोकर पैदा होते हैं, यानी मतलब के वक्त मीठी बातें करेंगे, बाद में तशरीफ के साथ तहमत भी लहराकर दिखाएंगे। चीन के विदेश मंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान, नेपाल के अलावा अफगानिस्तान और बांग्लादेश का शामिल होना जरूर हैरान करता है। नेपाल की पहचान तो यूं भी जयचंद के कुनबे में होती है, मगर बांग्लादेश अब उसी पाकिस्तान से गलबैया कर रहा है जिसने बांग्लादेश के 10 लाख मुसलमानों को हुरों की खोज में भेजा था। जो देश इनका रक्षक था उसमें इन धर्मान टोपी बाजों को काफिर दिखने लगा है, यानी ये तैमंद बाज उस खेत की खरपतवार है जो जन्म देने वाली जमीन को भी बंजर कर देते हैं। इसलिए बांग्लादेश की हरकत पर ज्यादा हैरानी से परेशानी पैदा करने की जरूरत नहीं है। अभी तक भारत के साथ रोटी बेटी का साथ निभाने वाले नेपाल के तेवर पिछले कुछ वक्त में बदल गए हैं। नेपाल ने तो कोरोना वायरस फैलाने का ठीकरा भी भारत के ऊपर मत डाला था। नेपाल और चीन के बीच रेलवे प्रोजेक्ट डील भी है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तिब्बत से काठमांडू होकर लुम्बिनी तक जाएगी। अब इसी BRI से बांग्लादेश और अफगानिस्तान को जोड़ने का दाव चीन ने चला है। इस बैठक के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चारों देशों से CPAC को अफगानिस्तान तक ले जाने और काम करने की जरूरत बताई है। दरअसल चीन CPAC की आड़ में इन चारों पड़ोसी देशों को अपने पाले में करने का षड्यंत्र रच रहा है। चीन यह संदेश देना चाहता है कि जंग की तरह से जूझ रहे अफगानिस्तान में वह शांति स्थापित करने की भूमिका निभाना चाहता है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी भारत अफगानिस्तान सरकार को समर्थन देकर तालिबान के खिलाफ खड़ा है। आने वाले समय में अगर तालिबान का पलड़ा भारी होता है तो इससे भारत और अफगानिस्तान के संबंधों पर असर पड़ सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश भारत के साथ दगाबाजी पर उतारू हो चुका है। पिछले 4 महीनों से भारत उच्चायुक्त PM शेख हसीना से मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हसीना उन्हें लगातार टालती जा रही है। यहां तक कि 2019 में शेख हसीना के दोबारा PM बनने के बाद सभी भारत प्रोजेक्ट धीमे हो गए हैं, जबकि चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसका साफ मतलब यह है कि बगैरत मुल्ला देश तशरीफ मटकाने और अपनी मदरसा नीति दिखाने से बाज नहीं आए हैं। यह लोग किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो ईरान का उदाहरण सामने है। इनका सही इलाज चीन जैसे देशों के पास ही मौजूद है, क्योंकि चीन जानता है कि इनकी बुनियाद झूठ पर आधारित है, इसलिए उन्हें झूठ और छल पर सही काबू में रखा जा सकता है। अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका ने भी कहा था कि भारत और अफगानिस्तान के मैत्रीपूर्ण संबंधों को देखकर वह आश्चर्यचकित है। उसे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई ताकत इन्हें कमजोर कर सकती है। यह रिश्ते केवल उच्च स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अफगानिस्तानियों में भारत के प्रति जो भावना है वह अद्भुत है। पर लगता यूं है कि अमेरिका की यही बात चीन अपने लिए चुनौती मान बैठा है। पर वास्तविकता यह भी है कि चीन को इन रिश्तों में खटास पैदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। उसे सामदाम दंड भेद की हर नीति को अफगानिस्तान में लागू करना होगा। मगर हकीकत यह भी है कि स्थानीय नागरिकों के दिलों से हिंदुस्तान के प्रति भावना को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। जहां तक बांग्लादेश की बात है, यह खुद अपने ही मुल्क का नहीं हुआ है। इस मुल्क में पहले से ही दोगले बीजों की खेती होती रही है। ऐसे में दोगलापन इसकी स्थापना के इतिहास में शामिल है। 1971 का मुक्ति संग्राम यह मदरसा पैदाइश भूल चुकी है और एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ तशरीफ से तशरीफ भिड़ा रही है, जो इसकी दगाबाजी का ही परिचायक है। संभवतः शेख मुजीबुर रहमान आज किसी कोने में आत्मगलानी से शर्मिंदा हुए जाते होंगे। भारत को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस पाले में जाता है। भारत गुटनिरपेक्ष की नीति पर पहले भी चला है और पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुटनिरपेक्ष भारत का पक्ष रखा है। भारत को अपने विकास से मतलब है। इनमें से बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की प्रवृत्ति भिखारी देशों में शामिल है। भारत भीख देना बंद करेगा तो ये चीन के आगे लाइन बनाकर खड़े हो जाएंगे। चीन बंद कर देगा तो अपने संसाधनों को गिरवी रखकर फिर से चीन से कर्ज उठा लेंगे। भारत इस तरह की नीति नहीं अपनाता है, इसलिए दुनिया के सभ्य देशों का एक बड़ा गुट भारत की नीतियों की प्रशंसा करता है। दुनिया में भारत और चीन के कद में जमीन आसमान का अंतर है। चीन जहां दूर देशों में शुमार है, वहीं भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते महान देशों में शामिल है। इसलिए बेहतर यही है कि भारत अपनी नीति में पड़ोसी देशों के प्रति आक्रामकता लाए, क्योंकि ज्यादा लाड़ प्यार छोटे बच्चे को चंचल बना देता है, जिसकी बाद में कहीं ना कहीं भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नेपाल और बांग्लादेश ऐसे ही चंचल बच्चे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।